अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ में लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं। वहां पर शाहरुख दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद में मास्क उतारते हैं और कुछ फूंक मारते हैं। इस फूंक मारने को लोगों ने थूक मारना समझ गया और जब यह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग शाहरुख खान को ट्रोल करने लग गए। लेकिन जब इसकी सच्चाई पता लगी तो शाहरुख खान वहां थूक नहीं रहते, उस पार्थिव शरीर के पास में फूंक मार रहे थे। तो अपन जानेंगे कि जो इस्लाम में दुआ पढ़ने के बाद में फूंक क्यों मारी जाती है और फूंक का क्या महत्व होता है, इसके बारे में अपन जानेंगे। देखिए आप यहां पर वीडियो में भी देख सकते हैं कि शाहरुख खान यहां अपने मैनेजर पूजा ददलानी के साथ में दुआ पढ़ने के बाद में फूंक मार रहे हैं और लोग उनको थूक मारना कह रहे हैं, लेकिन वो गलत है। यहां पर फूंक मारे और फूंक मारने का इस्लाम में क्या महत्व होता है, देखिए आप। इस्लाम में फूंकने का महत्व कहते हैं कि जब भी दुआ पढ़ी जाती है इस्लाम में तो वहां फूंक मारी जाती है। जब इस्लाम धर्म में एक रीति रिवाज है कि जब भी आप ऐसे जाते हो किसी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तो वहां पर दुआ पढ़ी जाती है, दुआ पढ़ने के बाद में वहां पर फूंक मारा जाता है। फूंक क्यों मारा जाता है देखिए, ताकि बुरी शक्तियां वहां से उस जगह से चली जाए। जैसे फूंक मारने का अर्थ यह होता है कि कुछ बुरी शक्तियां अगर वहां पे हो तो वो बुरी शक्तियां वहां से दूर चली जाए। और इसका एक यह भी अर्थ होता है कि उस दिवंगत आत्मा को स्वर्ग मिले और आत्मा को शांति मिले और उसको जन्नत मिले। इसका यह भी अर्थ होता है कि उस जो आत्मा है, जिस आत्मा को अगर आप श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए हैं, उसको शांति मिले। और दुआ एक की जाती है फूंक मारने से कि भगवान इसको स्वर्ग नसीब हो, इसको जन्नत नसीब हो। मुख्य मतलब यही होता है फूंक मारने का कि बुरी शक्तियां, बुरी आत्माएं वहां से चली जाएं और जो वो दिवंगत आत्मा है उसको स्वर्ग नसीब हो, उसको जन्नत नसीब हो। तो फूंक मारने का यह मतलब होता है, लेकिन लोगों ने इसको थूक मारना समझ लिया और सोशल मीडिया पर शाहरुख खान को ट्रोल करने लगे। लेकिन ये गलत बात है, वो थूक नहीं रहते, वो फूंक मार रहे।